व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी आ चुके हैं हम नानपारा मार्केट में। यहाँ के लोगों का रिएक्शन अभी आप लोगों को चेक कराते हैं। हमारे साथ कॉलेज की छुट्टी हुई है तो हमारे फ्रेंड भी बैठे हुए हैं। और अभी चलते हैं हम एक जगह, वहाँ समोसा वमोसा खाते हैं, क्योंकि यार अभी पेट में जान हो नहीं नहीं। तो फिलहाल अभी पेट पूजा करते हैं। चलो भाई, मिलते हैं। और कुछ कहना चाहोगे हमारे पब्लिक के लिए? यही है कि यार लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो भाई, बहुत मेहनत करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। चलो भाई, थैंक यू सर। ओके ओके, चलो ठीक है मनीष, मिलते हैं मंडे को। मिलते हैं, बाय बाय। बाय बाय। चलो भाई, चलो भाई, फ्रेंड को छोड़ दिए और हम चलते हैं समोसा खाने के लिए। उसके बाद एनर्जी आए यार, तभी कुछ बोलने में मज़ा आएगा, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी है। पहले पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। मार्केट का भीड़ तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है भाई। और मुझे समोसे वाले भैया जो थे वहाँ पर, वो आज तो लगाए नहीं है, कोई दूसरा दुकान ढूंढते हैं पेट पूजा के लिए। ओ भाई, रिएक्शन देखो, रिएक्शन मार्केट का रिएक्शन ही अलग ही भाई। ये देखो, मुझको लुभाती है जवानियां, मस्ती लुटाती जिंदगानी। अभी छोला भी करा लेते हैं, तब तक पेट पूजा बाद में हो जाएगी भाई। डीजल पेट्रोल इधर है। अरे रिकॉर्ड हो रहा तो भाई? हाँ रिकॉर्ड तो होता है, देखा इधर चल रहा है, लाइव चल रहा है। लाइव नहीं चल रहा है, रिकॉर्डेड होता है, बाद में एडिट करके अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। एक सौ दस के डाल दे। तो फाइनली अभी हो चुका है अपना फ्यूला। और भाई पेट्रोल टंकी वाले भैया, आप लोगों ने देखा ही होगा, वो कह रहे हैं कि मतलब भाई रिकॉर्ड होता है कैसे क्या, तो मैंने बताया उनको। और इतना मतलब सुनने के बाद वो पेट्रोल पंप वाला जो भर रहा था बंदा, जैसे नहीं होता है कि 100 रुपये का डाले तो उसी में तुम्हारा 100 का और डालना है तो 200 कर दिए, तो वो बोले कि नहीं इसको न्यूट्रल करके फिर फीड करके डालना। तो मेरा डालने से पहले मतलब 110 रुपये के मैंने डला थे, 110 रुपये फीड करके डाले भाई। जानते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है ना, कहीं फंस ना जाए हम इसीलिए। अरे भैया ला के घुसेर दो इसी में, और क्या बताएं, भूख से यहाँ जान जा रही है, तो मेरी हरन बार बार जा रही है। पेट पूजा करने के लिए मिल चुकी है मुझे समोसे की दुकान, तो थोड़ा बहुत करते हैं पेट पूजा, उसके बाद निकलते हैं भाई घर के लिए। ये रही समोसे की दुकान, यहाँ से खाते पीते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कौन है ये लोग? भाई साहब बाहर देखो, ये बाइक वाले कैसे देख रहे हैं, लग रहा है कि किसी तरह कभी देखे ही नहीं है। फिलहाल हो चुके हैं खाना पीना खा के तैयार, मतलब खाना पीना नहीं यार, मतलब नाश्ता करके हो चुके हैं रेडी। अभी हो चुके हैं फुल पावर, एनर्जी आ चुकी है, और बाइक करते हैं स्टार्ट, उसके बाद निकलते हैं रिएक्शन पूछ करने के लिए। कभी हम इस हाईवे को छोड़कर गाँव के रास्ते से जाने वाले हैं, गाँव का भी थोड़ा रिएक्शन पूछ करते हैं। शहर का रिएक्शन थोड़ी ना यार, थोड़ा गांव का भी लोगों का रिएक्शन शूट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या है। और आज का मौसम भाई एकदम चिल है, चिल क्या बोले, आज तो बिल्कुल ख़तरनाक ही मौसम है, क्योंकि आज धूप नहीं है, एकदम बादल है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और रिएक्शन चेक करो, कुछ कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे यार आ रहे हैं। रिएक्शन सीन खुद को चेक करो, ये देखो रिएक्शन भाई साहब। और यहाँ पर आज कुछ मार्केट लगने वाला है, तो उसमें लेट में आता तो और ज़्यादा रिएक्शन मिलता, बट जितना है आप लोग चेक करो भाई, रिएक्शन मिल रहा है जितना।
छोटी बच्ची ही है क्या? बच्ची, अरे वो देखो, अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगा होगा भाई, भाई रोड के झटके, मैं एक ब्लॉग बनाने के चक्कर में हाईवे छोड़ के यहाँ कहाँ आ गया भाई, इतना झटका लग रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, पूरा खुशी दुख में बदल गया, इतना दुख, इतना दुख, इतना दुख, इतने झटके लग रहा है, इतने झटके लग रहा है इस रोड पे, कुछ क्या बताओ। हाँ रिएक्शन देखो, ब्रेक के बाद मैं रुक गया हूँ, मेरा फेस भी देख लो, मैं हेलमेट लगा के, भाई इतना रोना आ रहा है कि पूछो मत। हाईवे छोड़ के अगर कोई कच्ची रोड पे आता है ना तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है क्या बताओ। रोड देख रहे हो, इतना पूरा खुदा पड़ा हुआ है, पूरा धूल उड़ रहा है, उड़ रहा है, क्या बताएं यार, किसी तरह पहुँच जाए घर, बस यही सोच रहा हूँ। इसी में रिएक्शन चेक कर लो, इतनी रास्ते खराब है, मेरा तो हालत खराब है, तुम लोग रिएक्शन देख लो पहले, नहीं नहीं देख लो, तुम बोलो देख लो, भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा? ये जंगली हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा ना, सही रास्ता है ना? अरे यार आधा घंटे से चल रहे हैं, रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा है। अभी यहाँ से लगता है 10 किलोमीटर है। अभी एक भैया बोले कि इधर से चले जाओ, पक्की रास्ता मिलेगा, इतना रास्ता खराब है कि पूछो मत, पूरा हिल गए हम। ईंटों वाला रास्ता खराब है, काहे झूठ, इससे बहुत खराब है, पर उतना ज्यादा दूर तो नहीं है यहाँ से। इटाहा 10 किलोमीटर है, इटाहा 10 किलोमीटर है, मतलब पक्की इसी तरह रास्ता है सब, इसी तरह रास्ता है सब, पक्की बनी हुई लेकिन पक्की भी खराब है। अरे यार फंस गए, इधर आके हम उधर जाते थे रोज, इटाहा ओ मटेरा होकर, मटेरा से इटाहा जाते थे। हाँ हम आ रहे थे, बोले भैया कि इस पे चले जाओ, इस पे दूरी कम पड़ेगा, हम के अलाव चले जाओ, हम के रास्ता किस तरह करें, बढ़िया है चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं, और उधर पीछे पूरा रास्ता खुदा पड़ा है, धूल उड़ रहा है। 10 किलोमीटर होगा? अरे यार पूरा रास्ता पूरा धूल उड़ रहा है, कच्ची है, इधर तरैया से आए हैं, इधर ये जो रास्ता इधर से मुड़ी है, इधर से आए हैं, हाँ हाँ, वहाँ वो जो लगा है मील ना, मील के बगल से रास्ता जाती है ना, वहाँ से हम आए। हाँ हाँ बहुत मिला है, हम कहे यार गलत रास्ता तो नहीं जा रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, हाँ कौन सा, हाँ उधर हम गए हैं, वहाँ से जाते हैं ना हम, मटेरा से जाते हैं ना सीधे, उधर निकल जाते हैं। चलो भाई थैंक यू भाई साहब, मुझे पता है यार क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस पे गया हूँ कई बार मजा लेने के लिए, यार पूछ लिया, रोड खराब है यार, पहुंच जाओ घर यार सेफली, मेरा ही मन जाने की किस तरह मैं चला रहा हूँ यार। अगली बार मैं आया था तो मैं इतना खराब नहीं था, आप तो पूरा रोड ही खोद दिए ये लोग, पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ पर कोई रिएक्शन भी नहीं मिल रहा है, तो क्या दिखाऊँ आप, ठीक है चलो मैं रिएक्शन जहाँ मिलता वही दिखाऊंगा, मेरा हाल तो खराब है भाई। भाई यहाँ कितनी है अपनी पक्की, ये देखो आ गई आ गई, और रिएक्शन भला पक्की पे, वरना वहाँ कहाँ टूटे फूटे रास्ते, जो ठहरा है तो फिर चल रहे थे, तो भाई देख लो कैमरे में ही घुस जाओ, आ जाओ मेरे साथ बैठ लो भाई, जब भी बच्चों का रिएक्शन चेक करना। बंटा है और बंटा वाले याद है ना, हाँ फिर से आगे ले, और बच्चा क्या क्या बोलते हैं, कंपनी कमाई ले बहुत बनी इनको, चल अब एक भी बड़ी बड़ी चक्कर चक्कर रिएक्शन चक्कर, बाद में खोया रहूं मैं मिलूं ही ना, बात करते क्या बात है, मजे है मजे। इतना भाई भी हम आए हैं यार, देखिए सामने क्या तगड़ा वाला माहौल लगा हुआ है, और यह अगर ये संचार कीजिए
लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। रिएक्शन तो दे दे यार कोई, बिना रिएक्शन तो जाना पड़ रहा है गाइस। आजकल लोग बहुत एटीट्यूड में आ गए हैं, बिना रिएक्शन देते ही नहीं है कोई। अपने इस गरीब को भी कोई रिएक्शन दे दो, कुछ दिखा दे, कोई देता ही नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं, नहीं देंगे तो इन लोग जैसे आगे मिलते रहेंगे। हेलो गाइस, तो फाइनली पहुंचने वाले हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज अब पहुंचने वाले घर में। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ब्लॉग में मजा आया होगा। और भाई बालों पे मत जाना आप, क्योंकि बालों का पूरा बैंड बच चुका है और पूरा डस्ट ही डस्ट कपड़े पर है, पूरा धूल ही धूल भाई। तो फिलहाल चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाकी आप लोगों का अभी काम रह गया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों फ्रेंडों को शेयर करो, माँ ठोक दो लाइक शेयर कमेंट, जल्दी जल्दी से बताना कमेंट में कैसी वीडियो लगी। फिलहाल मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में यार, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।